गाइज हम लोग थोड़ा ही आगे चले थे और ये हजरत को इतनी नींद आ रही थी, आग बंद हो रही थी। तो गाइज ये अपन ने दूसरी डिश मंगाया जो चिकन चीज रोल है। अब भी हम लोग है नगर के मोहम्मद अली रोड पे और इधर पे ये देखो 3 बजे भाई अचानक से टीवी ऑन हो गया। होला चिकोस, कोमो स्टार। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप सभी मस्त होंगे। और गाइज अभी अपना औरंगाबाद का ट्रिप कंप्लीट हुआ, मतलब जो जो अपने को जाना था, जिधर भी जाना था अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और अभी यहाँ से मैं सबसे पहले अभी नगर जा रहा हूँ, नगर से मैं शिरूर जाऊँगा फिर मंचर जाऊँगा, क्योंकि वैसे लग रहा है शिरूर जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ मरियम लोग से सबसे, फिर उसके बाद जाऊँगा मंचर में। तो अभी जल्दी से बाइक पर बैठते, स्टिंग पीते और फिर निकलते। स्टिंग के बाद आपको तो पता है जुब एनर्जी आती है। गाइस कल घर से निकलने से पहले मैंने भराया था 1050 का पेट्रोल और थोड़ा सा पहले था ऑलरेडी, तो अभी इतने पेट्रोल में 311 किलोमीटर चली और अभी भी मुझे लगता है 4 लीटर के ऊपर पेट्रोल है इसमें। फिर भरा लेते हैं पेट्रोल भाई, अपने को अभी 300 किलोमीटर और जाना है तो भरा लेते हैं पेट्रोल। दिख तो रहा है बहुत इसमें, तब तो पूरी टाँकी ऊपर तक आ गई थी। तो गाइस हम लोग थोड़ा ही आगे चले थे और ये हजरत को इतनी नींद आ रही थी, आग बंद हो रही थी, तो हम लोग को ये राजपूत रेस्टोरेंट मिला। मेरे को नींद ज़रा भी नहीं आ रही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अपने को मैं बोला कि मैंने बहुत सारे इसमें देखा हूँ कि कॉफ़ी और चाय इधर अच्छी, चाय का तो पता नहीं लेकिन कॉफ़ी ऐसे जो पेट्रोल पंप वाले रेस्टोरेंट होते हैं उसमें अच्छी मिलती है। तो अभी यहाँ इधर कॉफ़ी पीते फिर निकलते एकदम एनर्जेटिक के साथ। तो गाइस नींद आ रही थी तो मैं सोचा चाय की चुस्की ले लूँ, और चाय की चुस्की लेने जैसी है या नहीं पहले टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको। मस्त है भाई, कसम से मस्त चाय। 2 दिन में पहली चाय जो है वो अच्छी पी रहा हूँ मैं, कसम से बहुत अच्छी चाय है। मैं इसको अच्छे से इंजॉय करता हूँ, पीता हूँ और फिर मैं राइड पे निकलता हूँ। तो गाइस अब भी हम लोग हैं नगर के मोहम्मद अली रोड पे और इधर पे ये देखो, और ये यहाँ की फेमस होटल है, होटल अल कुरैश। शिरूर, पूना, औरंगाबाद, मतलब जितने भी लोग हैं सबको पता होगा यहाँ की फेमस होटल है। आस पास का एरिया भाई पूरा ऐसे ही मोहम्मद अली रोड ही ऐसा। और मैं लगभग 2-3 साल बाद इधर आ रहा हूँ, या तो मैं पहले आता था खास खाने के लिए दोस्त लोग के साथ, तो अभी इधर अपन खाते हैं। देखो तो ज़रा भी खाने वाने का मन है नहीं, लेकिन इनको खाना इसलिए मैं इधर रुका हूँ। और बैग वैग सब अल्लाह के भरोसे उधर पड़ा है, बैग के ऊपर हेलमेट वगैरह सब पड़ा है उधर। तो फटफट खाते इधर से शिरूर जाते, फिर शिरूर से मैं घर जाऊँगा। और फिर से वो मैं ब्लॉग के अंदर बोल रहा हूँ तीसरे ब्लॉग में तो वॉशरूम आई है मेरे को फिर से, लेकिन अभी ढूंढना पड़ेगा वॉशरूम किधर मिलेगा अपने। तो गाइस ये देखो एक नंबर शॉर्मा इधर का, मतलब अल कुरैश में नई बोल के हम लोग खाने के लिए इधर बैठ गए और अपना रोल भी आ रहा है चिकन चीज़ रोल। गाइस ये मतलब शॉर्मा का मैं टेस्ट रिव्यू दे दूँ आपको, मेरे को तो एक नंबर लगा, हर एक चीज़ परफेक्ट है, मसाले से लेकर सब कुछ पूरा गया। खाता है इसको, फिनिश करता हूँ मैं, इतना पीछे से रोल भी आ रहा है। तो गाइस ये अपन ने दूसरी डिश मंगाई जो चिकन चीज़ रोल है भाई, इसमें चीज़ और मेयोनीज देखो कितना है, एक नंबर है। सिर्फ चीज़ है, मेयोनीज नहीं है, चीज़ है। इसका टेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। पूरा चीज़ है, पूरा चीज़, मतलब इतनी क्वांटिटी में चीज़ डाले ना। अभी इनको भी खाने देता हूँ, खाली मैं खाते रह जाऊँगा इनको, जो नहीं खाने वाला था, जो मैं नहीं खाने वाला था। तो गाइस अभी हम लोग पी रहे हैं चाय और चाय के साथ बन मस्का, तो इधर का भी बन मस्का ट्राई करते हैं। और इधर जाते जाते रास्ते में सूपा भी आता है तो सूपे का भी ट्राई करेंगे, इन्होंने ट्राई नहीं किया सूपे का, तो इनको सूपे का बन मस्का ट्राई कराता हूँ। तो गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं शिरूर और मैं उधर से ही आने वाला था, लेकिन मैं बोला था तुपसी भाई को मिल के आते, ये देखो। तो अभी इधर थोड़ा रुकूँगा फिर मैं जाऊँगा घर पर, क्योंकि भाई और 60 किलोमीटर जाना है घर। तो अभी एक एक करके सब लोग आ रहे हैं इधर। तो गाइज अभी फाइनली पहुँचे अपन घर और भाई ढूंढन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अभी जल्दी से लिफ्ट बुलाते और लिफ्ट आने के बाद घर पे जाता हूँ और नहा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा खाना होगा तो खा लूँगा और फिर सो जाऊँगा, बहुत नींद आ रही है। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग, और ये नेक्स्ट डे है और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे,
नाश्ता करने के लिए, और मिसल लिया हूँ मैंने नाश्ते के लिए। और कल रात में मैं पहुँच गया था 11:30 बजे, और बहुत गंदा सीन हुआ है मेरे साथ, वो आपको मैं घर जाके एकदम फुर्सत में बताता हूँ। डेंजर मतलब अगर सफर में रहते तो ये सब चीज़ें होती ही रहती है, लेकिन बहुत अजीब ही हुआ भाई, डेंजर एकदम। उसके एक दिन पहले भी हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो भी बताता हूँ। और एक दूसरी चीज़ वो भी बताता हूँ, पहले जाता हूँ ये नाश्ता कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ मैं। तो गाइस एक्चुअल में प्रॉब्लम ऐसे हुई थी, मैं आपको बताता हूँ टोटल कैसा हुआ था। और एक साथ भाई तीन तीन चीज़ें एक ट्रिप पे, और ट्रिप पे आने के बाद वो अलग। तो हुआ ऐसे, जैसे मतलब मैं नगर में पहुँचा था, और सबसे पहले चलो वो अपन बाद में आते हैं। और भाई तीन तीन हॉन्टेड चीज़ें मेरे साथ। मैं वहाँ गया तो भाई मैं रूम में अकेला था, अकेला मैं सोया था रूम में, और ये हजरत तो भाई चले गए थे, इनके मतलब एक दोस्त थे उसके इधर चले गए थे, तो मैं रूम में अकेला था। तो मेरे को पहले ही नींद नहीं आती भाई अकेलेपन में, तो मैं लेटा था सोया, और भाई 3 बजे का मेरा क्या मसला, मेरे को समझ में नहीं आता है, कभी कभी इधर भी मतलब हो जाता है, पता नहीं क्या चीज़ें होती रहती है। तो 3 बजे भाई अचानक से टीवी ऑन हो गया, और भाई बज रहा है सब सीरियल वगैरह कुछ तो लगा है। मैं बोला भाई क्या है, क्या पता गूस बम्स आ रहे हैं, मेरे को वहाँ से दिख रहे कि नहीं क्या पता। तो मैंने टीवी बंद कर दिया और सीधा ब्लैंकेट मुंह पे डाल दिया, और भाई सो गया। तो उसको वो तो एक मसला हो गया। तो दूसरे दिन अपना जो दौलताबाद फोर्ट या वो बीबी गंगर वो सब वीडियो हुए। फिर आने के बाद मैं वहाँ से निकला, और शाम हुई थी तो मैं शाम के टाइम पे नगर में पहुँचा। और भाई नगर में कुरेशी होटल जिसको पता होगा, और बाकी भी होटल है वो एरिया में बहुत सारी, तो मैं वहाँ हाईवे पे ही लगता है शिरूर जाने से पहले, तो मैं वहाँ पहुँचा, और वहाँ मैंने मतलब ये सब चीज़ें खाई आपने जो वीडियो में देखा। फिर वहाँ से मैं आगे निकला, तो मेरा एक प्लान चल रहा था, मैं पूछ रहा था जगह के जाना किधर है, शिरूर से होते हुए जाना है, मेरा ऐसा मन था कि भाई चलो तौसीब वालों से मिल के जाते, लेकिन मैं एक बार ऐसा सोचा था कि डायरेक्ट घर पहुँचते, लेकिन मैंने एंड में डिसीजन लिया, लगभग 10 किलोमीटर का फ़र्क था, तो लेकिन मैंने एंड में डिसीजन लिया कि नहीं अपन जाते शिरूर से। और मैं शिरूर के रास्ते पे निकल गया, मतलब वहाँ से शिरूर था कुछ 60 किलोमीटर 55 किलोमीटर के आसपास। तो मैं शिरूर पहुँचा, इन लोग से मिला, और ये मेरे को इतना फोर्स कर रहे थे कि रुक जा रुक जा रुक जा, रात का टाइम है रुक जा, लेकिन भाई 10 बज गए, मैंने बोला चलो मैं निकलता हूँ। और उस बीच और एक चीज़ हुई कि मेरे खाला लोग सामने ही खड़े थे, मैं उनके घर के नीचे खड़ा था, लेकिन मैंने हेलमेट वो सब पहना था, और मैं बाजू में ही खड़ा, उन्होंने मेरे को पहचाने नहीं, और वहाँ से वो चले गए। अगर वो पहचानते तो भाई मेरे को रुकना ही पड़ता, तो मैंने इसलिए उनको आवाज़ नहीं दिया, क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद फिर जाना ही था शिरूर। तो ये सब हुआ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, मतलब लगभग 10:15 बजे थे मैं निकला, और भाई रात का टाइम, भाई जंगल वंगल से जाने का ही नहीं, हाईवे से जाओ, हाईवे सेफ सेफ है एकदम, लेकिन जंगल वंगल से जाने का ही नहीं भाई, कुछ भी चीज़ आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती है। और भाई मैंने एक जगह रुकाया गाड़ी, क्योंकि अब ठंडी लग रही थी, तो याजरत को इनका जिपर बंद करना था, मेरे को गूस बम्स आ रहे बोलने से पहले इधर सब। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया 15 से 20 किलोमीटर आगे, भाई मेरे को भी एहसास हुआ सुप करके सामने से कोई तो गया, मतलब इतने रात में, और वो दिखा भी नहीं, साए जैसा कुछ तो गया। एक बार हुआ, फिर ये हजरत बात करना बंद कर दिए, क्योंकि मैं बाइक पे आदत है, मेरे को मैं बात करता हूँ कैसा हाथ मार के बात करता हूँ, हाँ सब ठीक है बैठे या रुका हो, कुछ पानी वानी हुई, नींद वींद लग गई कुछ, इसलिए मैं बात करते रहता हूँ। तो मैंने पूछा भाई ये 20 से 30 किलोमीटर तक बात ही नहीं कर रहे, और भाई मंचर को सिर्फ 20 किलोमीटर बचे थे, और एक बार भाई मैंने आंखों से देखा बाजू से कुछ तो खड़ा था और गुजर गया। भाई मेरी एकदम हालत ख़राब, और हाईवे पे ये चीज़ें होती है, इससे पहले भी हुई है, लेकिन भाई जुबेर अगर तू देख रहा है वीडियो तो नीचे कमेंट कर, हम लोग जुबेर और मैं रात में एक बार घूम रहे थे, तो 4 बजे हम लोग के साथ सेम ऐसे ही हुआ था, वो भी भाई वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ तो कितनी सारी डेथ होती है, तो भाई 4 बजे रात में हमारी तो हालत ख़राब हुई थी, ऐसी भगाए थे गाड़ी। फिर वो होने के बाद मैं घर पहुँचा, और घर आने के बाद ये सब चीज़ें दिमाग में घूम ही रही थी, और भाई मैं जाके अपना ये रूम में आके सो गया, और इतनी बेहोशी की नींद में सोया, बहुत नींद आ रही, क्योंकि 2 दिन से राइड करता लगभग 600 किलोमीटर के आसपास। तो मैं एक हाथ पे सो गया, और हाथ पूरा सूंद हो जाता है, आपको पता मुझे आती हाथ सूंद हो जाता है एकदम, ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो मैं ज़ोर से रात में 3 बजे अम्मी 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 ज़ोर से चिल्लाने लगा, और ये भाग क्या है इधर क्या हुआ। तो मैंने देखा ऐसे आँख खोल के, वो भी नींद में ही था, और फिर मैं रिटर्न सो गया, मैं बोला चलो ठीक हो जाएगा, तो लेकिन नहीं,
भाई आधे घंटे तक इतनी बेचैनी हुई, मैं उन लोग के रूम में गया। उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद मैंने गद्दी बिछाया, इधर से मैं गद्दी निकालता और कभी कभी जाके सोता उधर, और मैं अकेले नींद नहीं आती तो मैं वहाँ जाके सोया। और भाई मेरे को मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे आँख में कुछ तो अलग ही मतलब चीज़ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी घूस बम्स आ रहे बोलने के लिए मेरे को। और भाई लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि कुछ नज़र हो गई थी या कुछ शैतानी वसवसा था। आपको पता है होता है ऐसे रास्तों से आने से, अगर तारत में ना हो तो। और मेरे को लगता है मैं तारत थोड़ी टूट गई थी, थोड़ी मतलब टूटी गई थी मेरे को लग रहा है ऐसे। लेकिन इसके बाद से याद रखूँगा, कुछ भी हो जाए भाई नहीं टूटने दूंगा। वो सब हुआ, उसके बाद मैं वहाँ से इन लोग को बोला मैंने कि भाई मेरे को नींद नहीं आ रही है। तो इनको दो घंटा मैंने रात में 5 बजे तक मैंने जगा के रखा, कि इतनी घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था, एकदम सही वर्ड में बोल रहा, ऐसा लग रहा था मेरे को अब भी हार्ट अटैक आ जाएगा। मतलब इतनी मेरे को बेचैनी हो रही थी, कुछ नहीं समझ रहा था मेरे को। तब जाके इन्होंने मेरे को दुआ का पानी पिलाए, नज़र उतारे। भाई नज़र तो हुई थी, लेकिन भाई क्या था क्या पता, बहुत मेरे को तकलीफ हुई वो दिन। दो घंटा रात में 5 बजे फिर मैं सोया, सुबह 7 बजे उठा सीधा शॉप पे। तो भाई ये मेरे 2 दिन की स्टोरी थी, मेरे को एक्सप्लेन करनी थी। और भाई ये सब चीज़ें होती रहती है ट्रैवल पे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इस बार भाई बहुत एंड लेवल तक हुई थी चीज़ें, एक साथ 3-3, 4-4 चीज़ें हुई है। कोई बात नहीं भाई, फिर भी अपन ट्रैवल करेंगे, बिस्मिल्लाह बोल के करेंगे, सफ़र की दुआ बोल के, सफ़र की दुआ आयतुल कुर्सी सब पढ़ के, लेकिन अपन ट्रैवल करेंगे। तो गाइस यही था इस वीडियो में। तो आपको औरंगाबाद के सब वीडियो पसंद आए, लेकिन भाई दौलताबाद के वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आए। जो ये वीडियो देख रहा है दौलताबाद का वीडियो जाके देखो, उस पर अपने को व्यूज़ चाहिए और लाइक्स भी चाहिए और कमेंट्स भी चाहिए। तो भाई जो वीडियो देख रहा है एंड तक, वो जाके उस पर जाके मतलब अपना प्यार दिखाओ। और गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आए होंगे। तो वीडियो को सब मतलब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।